व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मेरा 2023 का लेटेस्ट ब्लाउज कलेक्शन। आज मेरे पास टोटल 9 to 10 ब्लाउजेस है एंड ये जितने भी ब्लाउजेस है ना वो इतने ज्यादा सेक्सी एंड हॉट ब्लाउजेस है कि आप लोग तो एकदम देख के खुश हो जाओगे। सो अगर आप लोगों को भी ऐसे ना सेक्सी वाले ब्लाउजेस पहनना पसंद है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना है। तो चलो गाइस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले If you're new to this channel, then make sure कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। Now without any further ado, let's get into the video. So guys, ब्लाउजेस दिखाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे चल रहा है अभी एक गिव अवे। तो गिव अवे वीडियो की जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जैसे मेरा 11K हो जाएगा ये गिव अवे बंद हो जाएगा, तो जल्दी से जाओ एंड पार्टिसिपेट करो, बिकॉज बहुत कम पार्टिसिपेशन आया है उस वीडियो पे। तो जाओ जल्दी पार्टिसिपेट करो, मेरे से अच्छे अच्छे गिफ्ट पाओ। तो चलो गाइस अब मैं आपको कलेक्शन दिखाना स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट जो मैं आपको दो ब्लाउजेस दिखाने वाली हूँ ना, वो मैं फर्स्ट टाइम स्टिच करवाया है ऑनलाइन। मैं ना जिनसे अपने ब्लाउजेस वगैरह स्टिच करवाती थी, अब ना वो नहीं करती है। तो इसलिए ना मैं ढूंढ रही थी बहुत टाइम से कि कोई अच्छा टेलर मुझे मिले, एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट एन इंस्टाग्राम पेज। तो उस इंस्टाग्राम पेज से ही मैंने ये दो ब्लाउजेस बनवाए। जो फर्स्ट ब्लाउज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। मैंने एक शॉर्ट में मिनी व्लॉग अपलोड किया था कुछ टाइम पहले, एक वेडिंग में गई थी मैं अपनी फ्रेंड की शादी में, तो वहां पे मैंने पहना था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गॉर्जियस ब्लू कलर ब्लाउज। सो मैंने ये कुछ इस तरीके से स्टिच करवाया है, स्लीवलेस में है, सामने से आपको मिलती है ऐसे स्वीट हार्ट नेक, एंड अंदर पैडिंग मैंने डलवाई है बिकॉज पूरा बैकलेस है ये ब्लाउज, तो इसलिए पैडिंग मैंने डलवाई थी। एंड बैक का जो पोर्शन है गाइस वो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। जस्ट लुक एट द डिजाइन। एंड ये ना 2023 का लेटेस्ट डिजाइनर ब्लाउज है। लाइक आजकल ना ऐसे ब्लाउजेस चल रहे हैं, तो अगर आप कोई फंक्शन अटेंड करने वाले हो लाइक वेडिंग या कुछ भी, तो आप डेफिनेटली इसको बनवा सकते हो बिकॉज के भी लेटेस्ट ही है। एंड पूरे ब्लाउज पे ना कुछ इस तरीके से कटिंग है, लाइक ऐसे गोल गोल टाइप का कटिंग है। एंड यहाँ पे मैंने हुक लगवाई है, ऊपर 3 हुक्स लगे हुए हैं जैसे आप देख सकते हो। एंड नीचे का पोर्शन जो है यहाँ पे पूरी डोरी बंधी हुई है। सो यहाँ पे आपको 2 डोरीज मिलती है, जस्ट आपको टाई करना है एंड यू आर सॉर्टेड। एंड अंदर लाइनिंग दी गई है। इस ब्लाउज की जो क्वालिटी है ना मैं क्या ही बताऊँ। लाइक मुझे जो ये इंस्टाग्राम पेज है ना, इनका जो बेस्ट चीज मुझे लगी वो है इनकी क्वालिटी। चाहे आप पैड की क्वालिटी बोलो या आप कपड़े की क्वालिटी बोलो, इतना प्यारा इन लोगों ने भेजा है। एंड स्टिचिंग बिल्कुल A1 है एंड मुझे बहुत पसंद आया। एंड आई रियली डोंट थिंक सो कि अब मैं कहीं और से ब्लाउज बनवाने वाली हूँ, मैं तो पक्का उन्हीं से बनवाऊंगी ऑलवेज। नेक्स्ट ब्लाउज अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है एक रेड कलर का ब्लाउज, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है एक रेड कलर का ब्लाउज तो हर लड़की के पास होना ही चाहिए बिकॉज वो हर साड़ी के साथ जाता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये भी बहुत प्रिटी एंड गॉर्जियस ब्लाउज एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सामने से आपको लग रहा होगा कि ये प्रिया ये तो बहुत बेसिक ब्लाउज है, बट अभी रुको मैं दिखाती हूँ। तो सामने से मैंने इसे यू नेक में मंगवाया है एंड इसकी जो स्लीव्स है ये आपको क्वार्टर स्लीव में मिल जाती है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं बैक की। तो बैक में गाइस मैंने लगवाया है इस बार 4 डोरीज। नॉर्मली ना मैं 3 डोरी लगवाती हूँ या फिर मैं 2 डोरीज लगवाती हूँ, बट इस बार मैंने लगवाए हैं 4 डोरीज। एंड ये पहनने के बाद इतना ज्यादा हॉट लग रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बता नहीं सकती, इतना प्यारा लग रहा था। एंड इसके अंदर भी मैंने पैड डलवाई है बिकॉज अगेन ये बैकलेस है तो अंदर आप कुछ पहन ही नहीं सकते, तो सपोर्ट के लिए मैंने इस बार पैड्स डलवाए हैं। एंड इसके अंदर भी आपको मिल जाती है लाइनिंग। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इन दो ब्लाउजेस का प्राइस मुझे कितना पड़ा, तो गाइस क्योंकि मैंने पैडिंग एंड डिजाइनर ब्लाउज बनवाया है इसलिए मेरे को 1000 के अराउंड कुछ पड़ गया था। बट आप लोग अगर पैडिंग नहीं बनाओगे या कोई और डिजाइन दोगे तो उसके हिसाब से वो चार्ज करेंगे। सो आप देख सकते हो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इंस्टाग्राम पेज का नाम है चोली कलेक्शन। So definitely check out करना, बहुत बहुत प्यारे ब्लाउजेस बनाते हैं। Okay guys, now moving on to our next blouse. So अभी जो मैं आपको ब्लाउज दिखाने वाली हूँ ना, ये अभी मैंने लेटेस्ट बनाया है, लाइक एकदम लेटेस्ट। फरवरी में ही मैंने बनवाया था, एक शादी में मुझे जाना था बट मैंने इसको नहीं पहना है अभी तक। सो मैं आपको ब्लाउज दिखा देती हूँ। सो दिस इज द ब्लाउज। तो ये भी सैटिन का ही ब्लाउज है। अगर आप लोगों ने मेरे एक अमेजोन हॉल देखा होगा ना, तो उसमें मैंने एक साड़ी ली थी सैटिन की, तो उसी के साथ ये ब्लाउज पीस मुझे मिला था। तो सिंपल सा यू नेक है एंड इसकी जो स्ट्रैप्स है वो बहुत ही पतली सी है। एंड बैक अगेन है बैकलेस,
सिर्फ दो हुक्स लगे हुए हैं साइड में एंड आप देख सकते हो बहुत ही पतली वाली मैंने बनवाई है एंड अंदर आपको मिल जाती है लाइनिंग। इसमें मैंने कोई पैड्स वगैरह इसलिए नहीं लगवाया है बिकॉज मुझे लगा जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैं अपने सारे ब्लाउजेस में पैड्स नहीं लगवाती हूँ, बस कुछ कुछ एक दो ऐसे ब्लाउजेस होते हैं जिसमें लगवाती हूँ। मैं नॉर्मल सिलिकॉन वाले या तो पहन लेती हूँ या तो निपल पेस्टेस पहन लेती हूँ एंड आई एम गुड टू गो। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाली हूँ जो कि है एलोपेशिया या बॉल्डनेस लाइक गंजापन। तो आजकल के डेट में ना लड़का हो या लड़की हो कोई भी हो गंजेपन से हम सभी परेशान है। लाइक बाल कम हो जाते हैं, दोबारा बाल नहीं ग्रोथ होते, तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखते हैं बट कुछ भी समझ नहीं आता है। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ लीच थेरेपी के बारे में। अब आपको सुनने में लग रहा होगा कि प्रिया ये क्या है, तो गाइस लीच थेरेपी ना पहले के टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था एंड आज की डेट पे अगेन गाइस ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। लाइक आयुर्वेदा में इसको एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट कहा गया है। आपके जो स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी होती है जिससे कि आपके बालों को रीग्रोथ होने में काफी हेल्प मिलती है, तेजी से रीग्रोथ होती है। लेकिन लीच थेरेपी जो है वो बहुत पहले तो एक्सपेंसिव होती है, काफी ज्यादा उसमें टाइम लगता है एंड लोग थोड़ा सा ना करवाने में डरते भी है कि यार मतलब सर पे लीच लगा के तो थोड़ा सा वैसा लगता है, तो उसके लिए अब हम क्या करें। तो गाइज डोंट वरी, इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन और या फिर आप बेटर ऑप्शन बोल सकते हो मेरे पास है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस जोंक ऑयल फ्रॉम नेचर श्योर। इट्स एन एक्सीलेंट फॉर्मूला फॉर ऑल योर हेयर प्रॉब्लम्स। ये 100% सेफ है एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। अगर आप जोंक ऑयल को रेगुलर यूज करते हो तो आपके जो स्कैल्प है वो बहुत ज्यादा नरिश हो जाएंगे, आपके हेयर स्ट्रैंड्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी दिखेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये रिमूव करता है आपके डैंड्रफ एंड अगर आपके स्कैल्प में कोई भी फंगल रिलेटेड इन्फेक्शन है ये उसको भी सही करता है। इस प्रोडक्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। सब जो मैं आपको ब्लाउज दिखाने वाली हूँ ये भी आप लोगों ने शायद देख रखा होगा। सो मैंने अमेज़न से एक बॉटल ग्रीन कलर की साड़ी ली थी, प्लीटेड साड़ी, तो उसके साथ एक ब्लाउज पीस आया था पूरा सैटिन का, तो वही मैंने ये बनवाया है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। जब मैंने इसको पहना था ना इस ब्लाउज को, मेरे पास इतने क्वेश्चन आए थे कि ये तुमने कहाँ से बनवाया है, डिजाइन कहाँ से मिला। तो गाइज ये डिजाइन ना मेरे को एक्चुअली मिंत्रा से मिला है, मिंत्रा पे मैंने टॉप देखा था तो वहां का जो एक डिजाइन था ना मुझे इतना पसंद आ गया तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था एंड देन मैंने बनवा लिया। ओके मैं ज्यादा बकर बकर नहीं करती, आपको डिजाइन ही दिखा देती हूँ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। क्या हो गया इसको, वेट मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ना कुछ इस तरीके से है, सामने से मैंने नॉर्मल स्वीट हार्ट नेक में बनवाया है एंड इधर एकदम पतली वाली स्ट्रैप है, बिल्कुल ही पतली वाली स्ट्रैप है एंड पीछे से गाइस ये ना कुछ ऐसे बंधती है, लाइक दो डोरीज है, एक इधर आपको बंधेगी एंड एक नीचे आपको बंधेगी, दैट्स इट। एंड अंदर मैंने लाइनिंग लगवाई है, अगेन कोई भी पैडिंग वगैरह इसमें मैंने नहीं करवाई है बिकॉज अगेन पैडिंग की मुझे नहीं लगती कि इसमें जरूरत होगी। लाइक सैटिन वगैरह में ना मुझे इतना नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसके जो कपड़े होते हैं ना ऑलरेडी थिक होते हैं, तो आप बस निप्पल पेस्टेस पहन लो एंड सॉर्टेड। बट यस डेफिनेटली अगर आपकी थोड़ी हैवी बस्ट है तो फिर आपको पैडिंग लगवानी होगी, फिर तो आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाओगे। बट अगर आपकी साइज 32 है या 34 है तो आप बिना पैड्स के भी पहन सकते हो। तो ये भी मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्लाउज में आता है। ओके गाइस सो अब जो मैं आपको ब्लाउज दिखाने वाली हूँ ना ये मैंने अपने ब्लाउज कलेक्शन में से सबसे ज्यादा बार पहना है इस ब्लाउज को एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बनारसी पिंक ब्लाउज एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। ये भी शायद आप लोगों ने देख रखा होगा, मैंने इसको पहना था एक वाइट कलर के ढाकाई साड़ी के साथ। बाय द वे गाइस अगर आपने अभी तक मेरी साड़ी कलेक्शन नहीं देखी है ना तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज देख लेना। तो उसमें मैंने वो साड़ी दिखाई थी ढाकाई जामदानी, तो उसके साथ मैंने ये वाली ब्लाउज पहनी थी एंड ओ माई गॉड इतना प्यारा लग रहा था ना। सो इसका जो ये कपड़ा आप देख रहे हो ये मैंने लोकल मार्केट से खरीदा है, लाइक हमारे यहाँ पे ना बाजार बैठते बुध बाजार, तो वहां से मैंने इसका जो कपड़ा है वो परचेज किया था एंड देन मैंने टेलर से स्टिच करवा लिया था। सो सामने से तो ये कुछ ऐसा है, नॉर्मल सा टेम्पल वाला बनवाया था एंड इसकी जो स्लीव्स है वो भी एकदम पतली सी है एंड बैक का जो पोर्शन है वो मैंने कुछ ऐसा करवाया था, लाइक इधर सिर्फ और सिर्फ ना एक स्ट्रैप टाइप का ही है एंड यहाँ पे एक बटन टाइप का लगा हुआ है, लाइक हुक टाइप की लगी हुई है एंड दैट्स इट। एंड इधर मैंने डोरी लगवाई है, मैक्सिमम साड़ी के साथ ये मैच हो जाता है, लाइक व्हाइट एंड देन येल्लो ग्रीन ब्लू, लाइक पिंक कलर ना ऑलमोस्ट
हर एक साड़ी के साथ मैच हो जाता है, तो मैं आपको बोलूंगी एक पिंक ब्लाउज भी ना आपके पास होना चाहिए, लाइक रेड ग्रीन पिंक गोल्डन, ये सारी ब्लाउजेस अगर आपके पास होंगी ना तो आपको और ब्लाउजेस खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं ये भी आपको डेफिनेटली रेकमेंड करती हूँ, आप एक ऐसा ब्लाउज बनवा सकते हो। तो अब जो मैं आपको नेक्स्ट दो ब्लाउजेस दिखाऊंगी, ये दो ब्लाउजेस ही मेरी मासी ने बनाया है। सो मेरी मासी को भी ब्लाउजेस वगैरह स्टिच करना आता है उनको, लेकिन अभी उनका थोड़ा आई में ऑपरेशन हुआ है ना, तो इसलिए वो नहीं बनाती है। बट पहले तो मेरे सारे ब्लाउजेस मेरी मासी ही बना के देती थी। बट मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से ब्लाउज है। तो फर्स्ट वन इज दिस वन, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक मीशो के साड़ी के साथ इसको पहना था दुर्गा पूजा में, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये सामने से तो मैंने एकदम यू वाला नेक बनवाया है, एंड इसका जो बैक है ना गाइस वो भी एकदम सिंपल है, डीप में सिर्फ नीचे दो हुक लगी हुई है, ठीक है, प्रॉपर ये भी बैकलेस है, एंड पीछे से डोरी लगाई हुई है मैंने व्हाइट कलर की, एंड लटकन आप देख सकते हो, लटकन कुछ इस तरीके के मैंने डगवाया था, बहुत ही क्यूट सा लटकन है इसका। एंड मेन पार्ट जो इस ब्लाउज की है वो है इसकी स्लीव्स, बिकॉज इसके जो स्लीव्स है वो 3/4 में मिलती है, एंड इसका जो ब्लाउज है उसके साथ मैंने कुछ किया है, लाइक कुछ छेड़खानी की है। सो मैंने ना बाहर से एक गमछा खरीदा था, उस गमछे को हम काट के इधर हमने लगवा दिया था, आप देख सकते हो इस तरीके से स्टिच किया गया था, क्योंकि जो साड़ी मैंने पहनी थी उसमें भी गमछा का डिजाइन था, तो जिससे कि ना अच्छे से मैच हो जाए इसलिए मैंने इधर भी गमछा लगाया था। तो मुझे ना बहुत लोगों ने उस टाइम पूछा था कि ये ब्लाउज क्या आपको साड़ी के साथ ही मिला है कि नहीं, तो गाइस साड़ी के साथ एक्चुअली मुझे नहीं मिला है, मैंने इसको प्रॉपर बनवाया है अलग अलग कपड़ा खरीद के, एंड ये वाला जो आप कपड़ा देख रहे हो इसको मैंने एक शॉप से परचेज किया था, ये भी एंड ये व्हाइट वाला भी, तो इससे मेरा बन गया था ये ब्लाउज, एंड ये भी पहनने के बाद बहुत प्यारा लगता है। बट द थिंग इज कि इसका जो ये कपड़ा है ना, ये जो रेड वाला, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे ना कलर निकलता है, तो आप देख सकते हो अभी भी ना ये सारा वाइट जो है रेड रेड हो चुका है, बिकॉज वॉश किया गया था तो सारा खराब हो चुका है। बट उसके अलावा जो डिजाइन था एंड जो कॉन्सेप्ट था मुझे बहुत प्यारा लगा इस ब्लाउज का, एंड थैंक्स टू माय मासी। एंड जो सेकंड ब्लाउज मेरी मासी ने बना के दिया था वो ना इसी कपड़े में से ना थोड़ा सा बच गया था, सो उसी से एक ब्लाउज और निकल गया था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो ये एक ऐसे नॉर्मल स्लीव वाली ब्लाउज है, लाइक एकदम पतली स्लीव वाली ब्लाउज, सामने से प्लेन है, यू नेक में आपको मिलती है, एंड पीछे से मैंने इधर डोरी लगवाई है, एंड इधर ना यहाँ पे मैंने दूसरा कपड़ा लगवाया है, लाइक ये मैंने नहीं लगवाया है, मेरी मासी ने ही बना के दिया था। सो ये ना कुछ ऐसे बो बन जाता है, जैसे मैं पहनूंगी ना आप देखोगे ट्राई ऑन पे कि कैसा लग रहा है, तो ये ना पीछे से ऐसे बो बन जाएगा, एंड ये भी बहुत प्यारा लगता है। एंड एक रेड मरून ऐसे कलर का ब्लाउज भी आपके पास एक होना चाहिए, इसको भी आप ना कहीं पे भी पहन के जा सकते हो, बहुत ही वर्सेटाइल ब्लाउजेस होते हैं ये। इसमें भी कोई पैडिंग वगैरह नहीं है, कोई लाइनिंग वगैरह नहीं है, बिकॉज ये नॉर्मल रूबिया ब्लाउज है, तो इसके अंदर ना लाइनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे ये ब्लाउज भी बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा लास्ट ब्लाउज। तो जो लास्ट ब्लाउज मैंने खरीदा है, ये एक्चुअली मैंने बनवाया नहीं है, खरीदा है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो ये एक सैटिन का ब्लाउज है, इसका ट्राई ऑन मैं आपको नहीं दिखा सकती, बिकॉज इसका साइज देख के आपको लग रहा होगा कि ये मेरे से बहुत ज्यादा बड़ी है। ये सेम ब्लाउज आपको मीशो पे मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो सामने से वी नेक में है, इधर दो ऐसी पतली पतली सी पाइपिंग वाली स्ट्रैप्स लगी हुई है, एंड बैक से गाइज आपको मिलती है कुछ इस तरीके से डिजाइन, अगेन वी नेक में है, साइड में दो बटन्स लगी हुई है, लाइक पीछे ऐसे दो बटन्स आपको मिल जाएंगी, एंड अंदर लाइनिंग है। ये ब्लाउज अभी तक मैंने पहना नहीं है, एंड आई डोंट नो मैं कहाँ पहनूंगी इसको, मतलब किसी साड़ी के साथ ये जाता ही नहीं है। तो यस, ये है मेरा नेक्स्ट ब्लाउज। एंड और एक चीज गाइज, जो लास्ट, ये तो लास्ट था लेकिन इसके बाद भी एक और लास्ट है, और वो है दिस ब्लाउज दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ। ये आप देख सकते हो एक सिल्वर कलर की ब्लाउज है, ये मैंने परचेज किया है अमेजोन से, बट इसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, इसके लिए आपको देखना होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं आपको बता दूंगी, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट, लाइक इसी मंथ एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें मैं इस ब्लाउज के बारे में भी आपको बताऊंगी। ये बहुत ही प्यारा ब्लाउज आप देख सकते हो, बहुत ही क्यूट सा लग रहा है, सो उस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी इस ब्लाउज के बारे में, ठीक है।
तो चलो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू हियर। एंड गाइज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आज मैंने जितने भी आपको ब्लाउजेस दिखाए हैं आपका फेवरेट कौन सा है। मेरा तो डेफिनेटली वो फर्स्ट एंड सेकेंड वाला है जो मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से बनवाया था, वो तो मेरा एकदम लव है। आप मुझे बताना आपको कौन सा पसंद आया है। एंड अगर अभी तक आपने मेरा ब्लाउज कलेक्शन पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो वो भी चेकआउट कर लेना, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।